सीआईईटी एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत में संकलित एक पाठ की ध्वनि प्रस्तुति। पाठ का शीर्षक है बस की यात्रा। हम पांच मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से दो को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। ये बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, ये बस चलती भी है? चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, जी वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है ये? हाँ जी, और कैसे चलेगी। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है? अरे बस चलाओ ना भाई, क्या हो गया? चल रही है कि रुक रही है? हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वो इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थीं, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा, रंग, फकीर, आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। चलिए तो सही, कम से कम ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। हाँ,
कांच बहुत कम बचे थे। जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि ये गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। ये समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। अरे भैया क्या हो गया वो? ए भाई क्या हुआ ये? जाओ साहब चलाओ गाड़ी को। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वो निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। अरे ड्राइवर साहब क्या हुआ फिर? एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर साहब कुछ करोगे? यार
ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वो नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। अरे बस चलाओ ना भाई, क्या हो गया? कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो इत्तेफाक की बात है। परेशान है हम, गर्मी हो रही है बहुत। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वो बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली चली तो अच्छा गया। अच्छा तुम चल रहा है, अच्छा भी पहुंच गया। चलती रहे धीरे धीरे तो भी ठीक पहुंच जाए। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वो रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वो एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वो उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वो बहुत जोर से हिल कर थम गई। पैसे वापस ले लेते हैं। टायर बदलवा लो, रोज का टायर पंचर होता है आपका। अगर स्पीड में होती तो उछल कर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वो टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते, वो महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। अरे बस चलाओ ना भाई, क्या हो गया? समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है। बार बार रुकती है, चलती है। ये बस है कि खटारा है? है बैलगाड़ी की तरह चल रही है ये बस है? दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली।
अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या? कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। कैसे हैं आप? आपने कभी इतनी सौभाग्यशाली बस में सफर किया है? आज हम दोनों कर रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है। बस की यात्रा। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विशेष संयोजन प्रमोद कुमार दुबे, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, आलेख हरिशंकर परसाई, कलाकार नीरज शर्मा विद्याभूषण और अशोक मलकानी, तकनीकी नियंत्रण सतीश लाड़े, ध्वन्यांकन अमिता भट्टी, बटिला एंग्लिंग दो, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।